नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल ओम ट्रिक्स में। क्लास 10th इंग्लिश के लिए वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में आपको आपका मॉडल पेपर दिखाऊंगा कि आपका किस प्रकार से पेपर आने वाला है। सो बने रहिएगा आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि इंग्लिश का मॉडल पेपर क्लास 10th में कैसा आएगा, जो हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा। सो इसीलिए मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूं, आपको पूरा मॉडल पेपर समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। 70 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के ये जा चुके होंगे दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे पूरे के पूरे मॉडल पेपर के बारे में। शुरुआत में आपको समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का, और क्लास 10th का मॉडल पेपर है ये। शुरुआत में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो एक एक करके आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुरुआत के 5 मिनट आपको केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अलाउ किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको इंग्लिश फर्स्ट के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आपका प्रोज पोएट्री मिलेगी सारी, और सेक्शन बी में ग्रामर आपको पूरी की पूरी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपसे ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दी टू सेक्शन आर कंपल्सरी, इसमें जो दोनों सेक्शन के सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं आप सबके लिए। उसके बाद थर्ड है मार्क ऑल इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन के बगल में, तो आप देख सकते हो, ठीक है। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, आपको क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इनका आंसर लिखना शुरू करना है। सो एज अ सी, फर्स्ट आपका सेक्शन ए शुरू होता है। सेक्शन ए में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। सो यहां पे आपको मैं बता देता हूं किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो सबसे पहले आपका यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आप नीचे दिए गए क्वेश्चन के जवाब दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन के दो दो नंबर दिए जा रहे हैं, यानी कि पूरा पैसेज आपका 4 नंबर का है, ठीक है। 4 नंबर आपको दिख जाएंगे। सो सबसे पहले ये चैप्टर जो है वो दी गंगा का है, ठीक है। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके राइटर हैं, दी गंगा के पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत आसान है, ठीक है। ये इसमें पहले क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच इज द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। ये दोनों चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, चैप्टर है दी गंगा, इनके राइटर का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आसान है, कितना आसान क्वेश्चन था। सो इसी तरीके से चीजों को आसान में लेके चलेंगे तो आपकी चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सो ठीक इसी प्रकार से आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं अगर इंग्लिश के इम्पोर्टेंट की, तो लगातार हमारे चैनल पे इंग्लिश के इम्पोर्टेंट अब आएंगे। क्लास 10th वाले पूरा वीडियो आप हमारे देख पाएंगे। सो लगातार हमारे चैनल पे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट देखने को मिल जाएंगे। सो चिंता ना करना, इम्पोर्टेंट आपको मैं दे दूंगा सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट माद्रीज ऑन माद्री सन नकुला रिवाइव्ड इन प्रिफरेंस ऑन हिज टू हिज अदर ब्रदर, ठीक है। यहाँ पे आपसे ए नंबर का, अगर आपको ये वाला आता है तो ये वाला कर सकते हो, नहीं तो फिर ये वाला कर सकते हो, ए और बी में कर सकते हो, दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, ठीक है। व्हाई डिड द ओल्ड मर्चेंट वांट टू जज हिज टू सन्स, व्हाट टेस्ट डिड ही गिव टू देम टू फाइंड आउट हु वॉज द क्लेवरर ऑफ द टू, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, मर्चेंट वाले चैप्टर से आया हुआ है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक करना है आपको, दोनों नहीं करना है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच, 25 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 2+2=4 नंबर आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से 2 करने हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को लिखने से पहले यहाँ पे पढ़ लेना कि आपको करना कितना है और कैसे करना है, ठीक है। दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं कि आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। आगे आपको दिया जा रहा है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए और देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, कह रहा है आपसे आपको मीनिंग ये देखो दी गई है लिस्ट ए में, और मीनिंग के सही आंसर लिस्ट बी में दी गई है, और यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। तो मैच दी फॉलोइंग आपको करनी है, मैचिंग करनी है, तो आपको सही से सही पर लिख देना है डायरेक्ट आंसर। 1 × 4=4 आंसर दिए, 4 नंबर आपको दिए जाएंगे इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रीड दी फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ये पोएट्री का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है पोएट्री पढ़ के इनके क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। सो पोएट्री आपके सामने दी गई है, एवर इन मोशन,
ठीक है, ये करके दी हुई है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फ्रॉम विच पोएम हैज द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ पोएम। आपसे कह रहा है ये पोएम किस चैप्टर से दी गई है, उसका नाम लिखिए और इसके ऑथर का नाम लिखिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ईच ऑफ द अबव फोर लाइंस डिस्क्राइब अ पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन, मेंशन देम। आपको यहाँ पे फाउंटेन की सारी बातें बतानी है, ठीक है, फाउंटेन के बारे में सारा मेंशन करना है, लिखना है। इसके लिए आपको दो नंबर दिए जा रहे हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसके लिए आपको तीन नंबर दिए जा रहे हैं। द फाउंटेन का सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है या फिर दी विलेज सॉन्ग का सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों करके मत बैठ जाना। अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं आता है सो आपको और का ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। और मैं आपको क्या लिखना होगा, चार लाइन की पोयम लिख देनी होगी, बहुत आसान है, पोयम लिख के आना सब लोग। एक पोयम याद कर लो, ठीक है, वी वर वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। मैं बहुत पहले याद किया था जब मैं 10th में था, आज की पोयम नहीं है, अगर आपके किताब में आज भी ये पोयम है तो आप ये याद कर सकते हो, काफी आसान है। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू गिव अ गारमेंट सो गे, इतनी याद है मेरे को, आगे की नहीं याद है। दो लाइन और याद कर लेना अगर आपके किताब में होती है तो, ठीक है। डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, आपसे ये भी कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर में जो पोएम्स दी हुई हैं उनको कॉपी करके मत लिख देना, अन्यथा आपके नंबर काट दिए जाएंगे या आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है आपका, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच, आपको 25 वर्ड में इनके आंसर देने हैं, जिसके लिए 2+2=4 नंबर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिए गए, दो क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका, पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 4×1=4 नंबर आपको इन ट्रू फॉल्स के दिए जा रहे हैं। चार नंबर यहाँ पे, चार आपके सामने ट्रू फॉल्स दिखने को मिल रहे हैं, इनके आपको ट्रू है तो ट्रू लिख देना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आपको फिलअप्स करने हैं, एक हिसाब से एडिसन डाइड ऑन, यहाँ पे आपको फिल करना है कि एडिसन की मौत कब हुई थी। सो 4×1=4 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं, इसमें आपको फिल करना है जो सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपको चार दिए जा रहे हैं, इसी के साथ आपका सेक्शन ए खत्म हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे सेक्शन ए खत्म हो जा रहा है, इन चार के बाद में, फिलिप्स के बाद में सेक्शन खत्म हो जा रहा है, तो सेक्शन बी यहाँ से शुरू हो रहा है। सेक्शन बी में आपका ग्रामर का पोर्शन शुरू हो जाता है। सो देखते हैं कि ग्रामर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डू द इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको इंडेक्स दिए गए हैं कि आपको करना कैसा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ऑन संडे डेली टू गो टू आई गो शैल फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, आपको यहाँ पे रीऑर्डर करना है, इसको सही लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको सही करके इसको लिखना है, जिसके लिए आपको दो नंबर दिए जा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द बॉयज आर यू रेडी टू टेक यू टेस्ट, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ही डज हिज वर्क डेली, चेंज इंटू पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। फोर्थ आपसे पूछ रहा है, द नॉटी बॉय रैन अवे एज ही डॉट 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 अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट, यहाँ पे आपको फिलअप्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे बी का फिलअप करना है, ठीक है। जिन सारे के लिए दो दो नंबर दिए जा रहे हैं, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 नंबर का आपको शुरुआत में दिया जा रहा है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वन गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट करके आपको भरना है। कंप्लीट दी स्पेलिंग आपको करनी है, स्पेलिंग आपको दी गई है, ये स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, डब्ल्यू डॉट डॉट डब्ल्यू डॉट डैश करिए तो इसको, इसका आंसर होगा WOORY वरी, इसका सही आंसर है वरी, WOORY वरी, ठीक है। और बी वाले का मेरे को याद नहीं आ रहा, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डी वाला आता है, पंचुएट दी फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वट एवर नेसेसरी, यहाँ पे आपको पंचुएट करना है, अपनी भाषा में पंचुएशन करनी है इसकी, सही करके लिखना है, दो नंबर आपको दिए जा रहे हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांसलेट टू दी फॉलोइंग इन टू इंग्लिश, आपको हिंदी में तीन शब्द दिए गए होंगे, मतलब तीन लाइनें दी गई होंगी, इन तीन लाइनों को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिसके लिए आपको चार नंबर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि चार नंबर आपको दिए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कह रहा है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि योर कॉलेज इज ऑर्गेनाइज यहाँ पे योर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग अ 3-day एजुकेशनल टूर, राइट अ लेटर टू योर फादर रिगार्डिंग हिम टू अलाउ यू टू गो ऑन द टूर एंड टू सेंड योर
₹2,000 फॉर दी एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपके स्कूल में एक प्रोग्राम रखा जा रहा है, उस प्रोग्राम का पर्पस है, एक एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके लिए आपको अपने घर से अनुमति मांगनी है कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, और साथ ही साथ आपको अपने खर्चों के लिए अपने पापा से ₹2,000 भी मांगने हैं। सो इस पे आपको लेटर लिखना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप यहाँ पे और का ऑप्शन भी दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर 7 days लीव एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर एल्डर सिस्टर। आपसे कह रहा है कि आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, उस एप्लीकेशन में मेंशन कीजिएगा कि आपके एल्डर सिस्टर की शादी है, आपकी बड़ी बहन की शादी है, आप उसकी शादी में जाना चाहते हो, तो इसके लिए मुझे 7 दिन की छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है, और ये भी बताया हुआ है कि डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, आपको अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जा रहे हैं। अगर आपको लेटर आता है तो लेटर कर सकते हो, एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन कर सकते हो। फिलहाल दोनों काफी आसान है, बड़े आराम से आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ कंपोजिशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स, पॉइंट टू हेल्प आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक। यहाँ पे आपको टॉपिक दिए होंगे, इन पे आपको पूरा ऐसे लिखना है, जिसके लिए आपको टोटल 6 मार्क्स दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, 6 मार्क्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे 6 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। आप इनमें लेटर लिख सकते हो, पहला लेटर है पुलिसमैन पे, आप लिख सकते हो आप पुलिसमैन, एन इंडियन फेस्टिवल, और आपका यूजफुलनेस ऑफ मोबाइल फोन्स, तीनों मुझे आते हैं, तीनों आपको आते होंगे, बहुत आराम से आप लिख सकते हो। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको यहाँ पे गौर करनी होगी कि आपको ये हेडिंग दी हुई है, आपको इन हेडिंग में ही लिखना है। पहली हेडिंग होगी आपकी इंट्रोडक्शन, हिज इन्फॉर्मेशन, हिज यूजफुलनेस, ठीक है, His place and status in society, conclusion, इन पे आपको लिखना है। टॉपिक आपको दे दिए हैं, ये इनको आपको बस लिखना ही लिखना है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ग्रामर का आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट थ्योरम, ठीक है, सेट देयर वन। तो यहाँ पे आपको पूरा बहुत आसान है, लास्ट वाला 3-3-6 नंबर का आता है, इसको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। इनके आंसर, इनके जो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वॉट वॉज द टाइटैनिक, वॉट रिपोट्यूशन डिड इट इंजॉय, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट वाला पूछ रहा है कि वॉट ट्रेजरी बिफिल द टाइटैनिक, टाइटैनिक के साथ में असल में क्या हुआ था। सो ये चीज़ 6 नंबर की है, इसके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से आपको देख लेना, तो इसके आंसर आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, इसके सारे आंसर इसी में आपको मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेना बस। एक बार पढ़ने की देरी है, आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। सो ये था ग्रामर का और इंग्लिश का पेपर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से आने वाला है। कोई भी समस्या आ रही हो अभी भी तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, मैं समस्या को दूर कर दूंगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो का अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो PDF इसका डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया गया है दोस्तों, जाओ जाकर के इसका PDF डाउनलोड कर लो। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।